hello 6th standard how are you all now we are starting our new chapter motion and types of motion right you are moving you are running you are walking hmm you are throwing something right what you are doing that time you are applying force right you are applying force no and you are moving something means what it's a motion motion means what moving the force फोर्स ने उसको फोर्स लगाते ही ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट जो भी है मूव करने लगता है उसको बोलते हैं मोशन तो आपको यहाँ पे बहुत सारे पिक्चर दिए गए फुटबॉलर है फुटबॉलर क्या कर रहा है किक मार रहा है ना फुटबॉल को तो क्या कर रहा है फोर्स अप्लाई कर रहा है तो उसकी वजह से क्या हो गया फुटबॉल झट से ऊपर चला गया मीन्स वर्ट क्या हो गया उसको मोशन में आ गया आप वो भोरा है ना भोरा खेलते हुए ऐसे तो उससे भी क्या करते हो आप उसको मोशन देते हो ना तो वो भी घूमते रहता है गोल 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 ये बच्चा ये बॉल थ्रो कर रहा है या नीचे गिर रहा है तो क्या है ये भी मोशन ही है एरोप्लेन जाता है hmm. फिर ये जो कुम्बार है ये मटकी बना रहा है देखो तो ये भी एक प्रकार का मोशन ही है तो मोशन का इस्तेमाल करके ये अपने अपना काम कर रहा है तो इसका मतलब क्या है कि वी नीड टू तो अप्लाई फोर्स फॉर मोशन राइट हम जब फोर्स अप्लाई करेंगे तो मोशन स्टार्ट हो जाएगा हमने देखा है ना आई थिंक इन फिफ्थ स्टैंडर्ड वी इन अबाउट यूनिफो नहीं आपको अभी है सब फिफ्थ स्टैंडर्ड में नहीं था मोशन नाउ सी अबाउट ऑब्जेक्ट इन मोशन नाउ इन आवर डे टू डे लाइफ वी सी मेनी मूविंग ऑब्जेक्ट्स मूविंग ऑब्जेक्ट्स आर सेट टू बी द ऑब्जेक्ट इन मोशन आर डिस्कस विच ऑब्जेक्ट इन अबाउट पिक्चर इन ऑल आर इन मोशन वाट डिफरेंसेस आर यू सीन इन देयर मोशन तो सबके डिफरेंसेज इसमें हमको डिफरेंसेस क्या दिख रहा है कि फुटबॉलर मार रहा है तो वो सीधा जा रहा है राइट एरोप्लेन है वो भी सीधा चल रहा है कुमार जो बना रहा है मटकी वो गोल 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 है बोरा कैसे कैसे गोल 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 घूम रहा है तो मोशन है लेकिन कैसे है ये डिफरेंट काइंड ऑफ मोशन है ना अलग अलग है तो हम देखेंगे कि कौन कौन से मोशन होते हैं अभी मोशन A uh, while waiting for a bus, a bus stop, other vehicles appears to be in a state of motion. On the other hand, when you are uh, in motion yourself, the still object appears to be moving. For example, the trees are seen to be run backward while uh, you are traveling in a train. है ना ऐसे होता है ना कि हम गाड़ी में बैठे हुए बैठे हुए गाड़ी को फोर्स है गाड़ी, गाड़ी मोशन में तो गाड़ी मोशन में इसका मतलब हम भी मोशन में है

तो ये कंटिन्यूअसली अंडर गोज डिसमेंट वाइल मोशन इज अप्लाइंग मोशन दिए तो डिसप्लेसमेंट होता है द कंटिन्यूअस डिसमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड मोशन ये आपकी डेफिनेशन है वॉट इज मोशन द कंटिन्यूअस डिसमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड मोशन इसको लर्न करना है आपको नाव वी सी अबाउट टाइप्स ऑफ मोशन ओके तो फर्स्ट वन इज लीनियर मोशन लीनियर मीन्स एक ही लय में होता है सामने सीधा तो उसे बोलते हैं लीनियर मोशन अ ट्रेन और ए मूविंग व्हीकल्स ऑन ए रोड मेनी ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन और इन अ सेम डायरेक्शन दिस मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड लीनियर मोशन एन ऑब्जेक्ट इन अ लीनियर मोशन शोज द डिसमेंट अलॉन्ग अ स्ट्रेट लाइन स्ट्रेट लाइन में डिसप्लेसमेंट है चेंज तो है पोजिशन में ऑब्जेक्ट के लेकिन कैसे है स्ट्रेट लाइन में है हम ट्रेन से जाते हैं ना सफ़र करते तो हमको पता चलता है कि ट्रेन कैसे चलती है स्ट्रेट चलती है तो ये यह, यहाँ पे मोनो दिया हुआ है तो इट्स कॉल्ड लीनियर मोशन इफ यू स्टैंड ऑन ए चेयर और रिलीज अ बॉल फ्रॉम योर हैंड इट इट्स फॉल द फ्लोर वट डू डू यू कंक्लूड फ्रॉम दिस तो ये भी लीनियर मोशन हो गए ना सीधा है ना ऐसे बॉल नीचे फेंक रहे तो इधर उधर जा रही है क्या वो वो सीधे ही नीचे आ रही है दैट्स वॉल इट्स कॉल्ड लीनियर मोशन द कंपेयर द मोशन ऑफ सोल्जर्स ऑन परेड ऑन ए गर्ल्स कमिंग डाउन अ स्लाइड द मोशन ऑफ सोल्जर्स इन ए परेड इज सेम है ना परेड जो देखते हो छब्बीस जनवरी को देखते हो पंद्रह अगस्त को कैसे परेड होती है सोल्जर की दैट इज इन लीनियर मोशन ड्यूरिंग दैट पीरियड नॉट इवन ए स्लाइड डिफरेंस इज सीन स्लाइड डिफरेंस भी दिखता है कि आपको उसमें बिल्कुल नहीं हाउ आर द मोशन ऑफ द गर्ल्स कमिंग डाउन द स्लाइड्स डज नॉट अपेयर टू बी यूनिफॉर्म हाउ आर द मोशन ऑफ गर्ल्स कमिंग डाउन द स्लाइड स्लाइड से जब नीचे आती है तो यूनिफॉर्म मोशन होता है क्या ये द गर्ल्स कम्स डाउन फास्टर एंड फास्टर द स्पीड ऑफ हर मोशन गोज ऑन इंक्रीजिंग कंटिन्यूसली यहाँ पे है वो लड़की स्लाइडिंग कर रही है तो वो नीचे आ रही है तो जब इन इन द बिगिनिंग तो उसका मोशन थोड़ा सा कम है लेकिन जैसे नीचे नीचे उतरती है तो वो इंक्रीज होता जाता है फोर्स द मोशन ऑफ मैचिंग सोल्जर्स इज यूनिफॉर्म लीनियर मोशन तो इस सोल्जर्स को सोल्जर का मोशन कैसे हो गया यूनिफॉर्म लीनियर मोशन क्योंकि इनकी स्पीड में चेंज नहीं हो रहा है यूनिफॉर्मेलिटी दिख रही है दैट्स इट्स कॉल्ड यूनिफॉर्म लीनियर मोशन बिकॉज इन दिस मोशन नो चेंज इज सीन ऑन द अदर हैंड द मोशन ऑफ द गर्ल्स कमिंग डाउन ऑन द स्लाइड इज नॉन यूनिफॉर्म लीनियर मोशन एक ही डायरेक्शन में है लीनियर है लेकिन वो कैसे हो गया नॉन यूनिफॉर्म लिनियर मोशन क्योंकि वो कंटिन्यूसली चेंज हो रहा है राइट right? तो सोल्जर्स का कैसे यूनिफॉर्म लिनियर मोशन और इनका कैसे हो गया ये स्लाइडिंग में जो गले उसका क्या हो गया नॉन यूनिफॉर्म लिनियर मोशन देर आर टू मैन टाइप्स ऑफ लिनियर मोशन मीन लिनियर मोशन के दो टाइप्स है एक है यूनिफॉर्म लिनियर मोशन और दूसरा है नॉन यूनिफॉर्म लिनियर मोशन तो यूनिफॉर्म लिनियर मोशन में कैसे है द डिस्टेंस ट्रांसफर्ड बाई अ ऑब्जेक्ट अलॉन्ग अ स्ट्रेट लाइन इन अ यूनिट टाइम इज कंटिन्यूसली द सेम द मोशन इज कॉल्ड यूनिफॉर्म लिनियर मोशन मीन्स ऑब्जेक्ट एक ही सेम डायरेक्शन में जा रहा है सीधा और उसके उसके पोजिशन में इसके डिस्प्लेसमेंट में कोई फर्क नहीं है तो वो क्या हो गया यूनिफॉर्म लिनियर मोशन नॉन यूनिफॉर्म लिनियर मोशन वैन द डिस्टेंस ट्रांसफर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट अलॉन्ग अ स्ट्रेट लाइन इन यूनिट टाइम कीप्स ऑन चेंजिंग द मोशन इज कॉल्ड नॉन यूनिफॉर्म लीनियर मोशन मीन ऑब्जेक्ट चेंज हो रहा है ना उसका पोजिशन चेंज कर रहा है दैट्स इट्स कॉल्ड नॉन यूनिफॉर्म लीनियर मोशन एक ही डायरेक्शन में है सीधा है लेकिन क्या हो रहा है इसमें यहाँ पे मोशन चेंज हो रहा है <coughs> तो आपको ये बहुत इंपॉर्टेंट है यूनिफॉर्म लीनियर मोशन एंड नॉन यूनिफॉर्म लीनियर मोशन इस पर आपको शॉर्ट नोट लिखनी है इन आवर नेक्स्ट नेक्स्ट लेक्चर हुई सी अबाउट नॉन लीनियर मोशन नॉन लीनियर मोशन यहाँ पे हमने क्या दिखा है यूनिफॉर्म लीनियर मोशन नॉन यूनिफॉर्म लेनियर मोशन अब आगे हम देखेंगे नॉन लीनियर मोशन उसके बाद में हम देखेंगे रैंडम मोशन देन स्पीड व्हाट इज स्पीड हाउ द स्पीड इज कंक्लूडेड ओके तो आपको ये चैप्टर का अभी मैंने जो होमवर्क दिया है क्या दिया आपको शॉर्ट लोड लिखनी है यूनिफॉर्म लीनियर मोशन एंड नॉन यूनिफॉर्म लीनियर मोशन ये लिख के मुझे आप भेजेंगे ओके इफ यू हैव एनी डाउट इफ़ यू हैव एनी क्वेरीज यू आस्क मी कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझे पूछ सकते हो राइट right? हम यही चैप्टर हम हमारे नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यूज करेंगे और सबको बोल देती हूँ कि आपको ये लिखना है और मुझे भेजना है होमवर्क बहुत सारे बच्चे जो होमवर्क भेजते ही नहीं हैं करते भी है या पता नहीं हाँ करते हो तो प्लीज़ कृपया मुझे भेज दो मेरे व्हाट्सएप नंबर पे ओके अगर कुछ डाउट रहेगा तो भी आप मुझे कॉल कर सकते हो या व्हाट्सएप पे आप अपनी क्वेरी लिख के भी भेज सकते हो राइट नाउ राइट दिस होमवर्क एंड सेंड मी टिल देन गुड बाय